छाट पिकै बेख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संग तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत के गुरु रामदास राखूस एक अरदास पाठ की रत के गुरु रामदास राखो शरणा सो कहो टल गुर सेविय अहिंस सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे नूर अरशो गुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सजन सच्चा पातशाहु सिर शाहद शाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तरासरी
चढ़ डूबे मैल ना जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ भय निरंकारी, मुकत पदार्थ हर रस चाखे, आवण जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस हंस मह सागर, अकथ कथा गुर बचनी आतर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वत्सल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले पग तारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खुवे, आप ना चीनस ब्रह्म ब्रह्म रुवे, कहतो पढ़तो सुन तो एक, धीरज धर्म धरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, सचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक चाचा साच सरूप, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द परम पौ भागे।
स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी भरपूरे अमृत संत चुग हैं नहीं दूरे हर रस जोग चुग हैं प्रभ पावै सर्वर मह हंस प्राण पत पावै। राग तनासरी घर दूजे विच गुरु नानक देव जी की अठ बंदा वाली बाणी अकाल पुरख एक है अते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। गुरु मानो एक समुंदर है जो प्रभु की सिफत सलाह दे रतना नाल नको नक भरिया होया है। गुरमुख सिख उस सागर विच्चों आत्मक जीवन देण वाले खुराक प्राप्त करते हैं जिवें हंस मोती चुगते हैं ते गुरु तो दूर नहीं रहिंदे। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरि नाम रस की चोग चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकिया रहिंदा है ते जिंदे मालक प्रभु नू लभ लैंदा है। विचारा बगला छपड़ी विच कादे लई ना हुंदा है कुछ नहीं खटदा सगों छपड़ी विच नहा के चिक्कड़ विच ही डुबदा है। उसकी यह मैल दूर नहीं हुंदी। जिहड़ा मनुख गुरु समुंदर नू छड़ के देवी देवत्या आदक होर दे आसरे पालदा है वह मानो छपड़ी विच ही नहा रहा है। उत्थों वह होर माया मोह दी मैल सहेल लैंदा है। रहाओ गुरसिख बड़ा सुचेत होके पूरी विचार नाल जीवन सफर विच पैर रखता है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे दी भाल छड़ के परमात्मा दा ही बन जाता है। परमात्मा दे नाम दा रस चक के गुरसिख वह पदार्थ हासिल कर लैंदा है जो माया दे मोह तों खलासी दवा देंदा है। जिस दी गुरु ने सहायता कर दित्ती उस दे जन्म मरण दे गेड़ मुक गए। जिवें हंस मान सरोवर नू छड़ के नहीं जाता तिवें जिहड़ा सिख गुरु दा दर छड़ के नहीं जाता वह प्रेम भगति दी बरकत नाल अडोल आत्मक अवस्था विच लीन हो जाता है। जिहड़ा गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकदा है उस दे अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रगट करता है। उस सिख दे अंदर गुरु बस पैंदा है। एक कथा अकथ है भाव इस आत्मक अवस्था दा बयान नहीं हो सकता। सिर्फ ये कह सकते हाँ कि गुरु दे बचना उत्ते तुर के वह लोक परलोक विच आदर पाता है। जिहड़ा कोई विरला प्रभु चरणा विच जुड़िया बंदा अफुर अवस्था विच टिकदा है उस दे अंदर इस्त्री मर्द वाली तमीज नहीं रहिंदी भाव उस दे अंदर काम चेष्टा जोर नहीं पाती। दसो कोई यह संकल्प कर भी किवें सकता है क्योंकि वह तो सदा उस प्रेम परमात्मा विच सुरत जोड़ी रखता है जिसकी जोत तिना भवनों विच व्यापक है अते देवते मनुखनाथ आदक सब जे सदा थिरदी शरण लई रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर विच टिके उस प्राणपति प्रभु नू मिलता है जो आत्मक आनंद दा सोमा है जो न्यासरियां दा आसरा है। गुरमुख उसकी भगती दी राही अते उसके गुणों की विचार दी राही अडोल आत्मक अवस्था विच टिके रहिंदे हन। ओह प्रभु अपने सेवकां दी भगती नाल प्रेम करता है उन्हां दे सारे डर दूर करन दे समर्थ है। गुरमुख हौमे मार के अते साध संगत विच टिके उस आनंदमूल प्रभु दे चरणां विच जुड़दे हन। अनेकां होर जतन करन करके सहेड़ी होई आत्मक मौत उसनू सदा दुखी करती है। वह पिछले किते कर्मां अनुसार तुरों आत्मक मौत दा लेख ही अपने मत्थे उत्ते लिखा के इस जगत विच आया ते इत्थे भी आत्मक मौत ही विहांजदा रहा। वह मनुख होमे विच
पटक पटक के दुखी हुंदा है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे दी भाल विच ओ अमोलक मनुखा जन्म नू गवा लैंदा है। जेड़ा मनुख विचारे बगले वांग हौमे दी छपड़ी विच ही नहौंदा रहिंदा है ते अपने आत्मक जीवन नू नहीं पछाणदा, पर जेड़ा मनुख एक परमात्मा दी सिफत सलाही नित उचारदा है, पढ़दा है ते सुनदा है ते धरती दे आसरे प्रभु दी टेक फड़दा है, वह गंभीर सुभाव ग्रहण करता है। वह मनुख जीवन दे सफर नू पछाणदा है। जत सत्ते संजम उस मनुख दे हिरदे विच सुते ही लीन रहिंदे हन। जे वह गुरु दी शरण विच रह के अपने मन नू उस आत्मक अवस्था विच गिजा लै जिथे माया दे तिन्ने ही गुण जोर नहीं पा सकते, सदा देर प्रभु विच टिके पवित्र होए मनुख दे मन नू विकारां दी मैल नहीं चंबड़दी। गुरु दे शब्द दी बरकत नाल उसकी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनिया वाला डर सहम मुक जाता है। जिस वर्गा होर कोई नहीं है, जिसकी सोहनी सूरत ते जिसका वजूद आद तो ही चलिया आ रहा है। नानक जी भी उस सदा थिर हस्ती वाले प्रभु दे दर तो नाम की दात मांगते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।